अलवी। शर्म है या बेच खाई है? तेरे बाप की वजह से हमारे भाव की जान गई, हमारा भाई अपाहिज हो गया, तुम कुछ जानते हुए अपना मुंह उठाकर यहां पे चली आई क्यों? कार्तिक को अपनी भोली भाली शक्ल दिखाकर उसे बेवकूफ बना के से झूठ बुलवाया। आज लाइफ में पहली बार कार्तिक ने ताई से झूठ बोला, तेरी वजह से। नहीं, इसमें कार्तिक की कोई गलती नहीं। मैंने ही उनसे कहा था कि मैं बाहर अकेली नहीं रह पाऊंगी, आप मुझे अपने साथ यहाँ ले आइए, इसीलिए वो मुझे लेकर आए। अच्छा, तुझे क्या हम लोग पागल लगते हैं? इंस्पेक्टर साहब प्लीज, जितना जल्दी हो सके उसे ढूंढिए। मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि वाकई एक्सीडेंट है या किसी ने इंटेंशनली मर्डर किया। Don't worry, I will update you. Thanks. Okay. हाँ जी वकील साहब। जनाब, उस मैनेजर अलवी के बारे में कुछ पता चला? अभी अभी एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। क्या बात कर रहे हैं? वो अलवी ही तो एक पुख्ता सबूत था जिसके जरिए हम श्रीकांत जनाब को बेगुनाह साबित कर सकते थे। अब तो केस बहुत पेचीदा हो गया है। आप ऐसे मत कहिए सर, अब कोई भी सबूत किसी भी गवाह को खड़ा कर दीजिए, आप पैसे की चिंता मत कीजिए। मेरे लिए श्रीकांत काका का छूटना बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। झूठ बोला तू कार्तिक, ताई को झूठ बोला। मैंने तेरे को बोला था कि मैं इस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी तू इस लड़की को इस घर के अंदर लेकर आया, अपने कमरे में रखा तूने इसको। अगर उस आदमी का कांड नहीं होता तो मेरे को तो मालूम ही नहीं पड़ता ना कि कर्तिया मेरे पीठ के पीछे क्या कर रहा है। क्या सोच कर लाया तू इसको इधर? जिंदगी भर इसको इस बंगले में छुपा के रखेगा और ताई को कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा। आज से 4 साल पहले दिगंबर की मौत हुई थी। इस बंगले में, इस बिजनेस में, इस घर की हर एक चीज में श्रीकांत काका की 50% की पार्टनरशिप। आज ये जो बिजनेस इतना बड़ा हुआ है ना, इसकी शुरुआत श्रीकांत काका के घर को बेचने से हुई थी। की लड़की उस सुरवी को 50% का बिजनेस पार्टनर बनाया उस कार्तिया ने, और बाकी का 50% खुद के लिए। तो मैं और मेरा बच्चा ताली बजाएंगे इनके सामने, इनके आगे भीख मांगेंगे। ये मैंने क्या क्या प्लानिंग किया था कि मैं कार्तिया को अपनी मुट्ठी में करेगी, उसका सारा का सारा बिजनेस, सारा का सारा पैसा अपने नाम पे कर लेगी। लेकिन कार्तिया ने तो मेरे सारे प्लानिंग की वाट